फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए घर संसार वास्तु शास्त्र को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो को सबसे पहले। शादी जीवन का एक अहम पड़ाव माना जाता है। बच्चे की बालावस्था के बाद किशोरावस्था तक तो माता पिता को उसकी परवरिश और पढ़ाई की चिंता ही होती है, लेकिन जैसे ही वह युवावस्था में प्रवेश करता है अभिभावकों को विवाह की चिंता सताने लगती है। लड़का हो या लड़की दोनों की ही शादी को लेकर माता पिता को चिंता होने लगती है। यदि बेटा है तो उसके लिए श्रेष्ठ बहू घर आए इस बात की मांग होती है, लेकिन अगर पुत्री है तो उसे अच्छा परिवार और प्यार करने वाला पति मिले इस बात को लेकर अक्सर चिंतित रहते हैं अभिभावक। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी जब श्रेष्ठ वर या वधु की प्राप्ति नहीं होती तब सबसे बड़ी चिंता उत्पन्न होती है। ऐसे कई कारण होते हैं जिसकी वजह से विवाह में अड़चन आती है। कुछ सामाजिक कारण होते हैं तो कुछ अन्य भी होते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के पास विवाह संबंधी हर रुकावट का जवाब है, लेकिन साथ ही हल भी है। ज्योतिष शास्त्र द्वारा विवाह क्यों नहीं हो रहा, उसमें रुकावट क्यों है, इससे संबंधित कारणों को विशेष योगों द्वारा समझाया गया है। लेकिन यहाँ हम आपको योग बताने के बजाय शादी की रुकावटों को दूर करने के शास्त्रीय उपाय बताने जा रहे हैं। शास्त्रों द्वारा कुछ खास वस्तुएं प्रदान की गई हैं, जिन्हें यदि विवाह की इच्छा रखने वाला जातक अपने घर में स्थापित करे तो उसके विवाह में आ रही रुकावट दूर हो सकती है। इन वस्तुओं को इस्तेमाल करने से प्रेम विवाह के योग भी खुल सकते हैं। साथ ही यदि आप शादीशुदा हैं और आपके वैवाहिक जीवन में निरंतर ही अनबन चल रही है, तब भी ये वस्तुएं आपके काम आ सकती हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह आदि कार्यों में बृहस्पति ग्रह का विशेष प्रभाव पड़ता है। ऐसा माना गया है कि बृहस्पति के बुरे प्रभाव के कारण वैवाहिक जीवन में समस्या और विवाह में रुकावट उत्पन्न होती है। इसलिए इसके उपाय हेतु जातक को भगवान बृहस्पति को प्रसन्न करने के उपाय करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में पुखराज रत्न बृहस्पति के लिए उत्तम माना गया है। इसे धारण करने से जातक की कुंडली में विराजमान बृहस्पति ग्रह की दशा अच्छी हो जाती है। तो यदि किसी जातक की विवाह में अड़चने या देरी आ रही हैं, तो किसी ज्ञानी ज्योतिषी की सलाह से उसे पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। रोज क्वार्ट्स हार्ट पेटेंट। ये सुंदर पेटेंट उन्हें पहनना चाहिए जिनके प्रेम संबंधों में परेशानियां उत्पन्न हो रही हों। रोज क्वार्ट्स हार्ट पेटेंट ऐसे लोगों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। इस पेटेंट को धारण करने से आपके रिश्ते में सकारात्मकता आती है। एक्वामरीन स्टोन पेडेंट। यह पेडेंट आपके लिए है जो शादीशुदा हैं, लेकिन उनके वैवाहिक जीवन में काफी मनमुटाव है। यदि ऐसे जातक ये पेडेंट पहनेंगे तो इसके प्रभाव से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। साथ ही इसकी मदद से परिवार में संतुलन बना रहता है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। शुक्र यंत्र। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह जीवन में भोग विलास और प्रेम का कारक माना गया है। शुक्र यंत्र की स्थापना से आपके प्रेम संबंधों में सकारात्मकता बढ़ती है। जो लोग प्रेम विवाह के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें भी शुक्र यंत्र की स्थापना से लाभ होता है। गुरु यंत्र। जिस तरह से शुक्र यंत्र को लाने से प्रेम विवाह के योग खुलते हैं, उसी तरह से यदि गुरु यंत्र लाया जाए तो विवाह की रुकावटें दूर होती हैं। माना जाता है कि गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव के कारण वैवाहिक जीवन में समस्याएं और रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए यह यंत्र इन रुकावटों को खत्म करने में सहायता कर सकता है। तो ये थे फ्रेंड्स, हर हाल में चाहते हैं प्रेम विवाह, इस्तेमाल करें ये वस्तुएं, खुल जाएंगे प्रेम विवाह के योग। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही
सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। अपने घर और आसपास की सफाई रखें, सकारात्मक सोचें और खुश रहें। धन्यवाद।